हां जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग चलिए तो हाँ आज हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनटेंट जो बचा हुआ था उसको खत्म कर देंगे आई एम सो सॉरी आपका क्लास रिशेड्यूल हो गया था आज एक्चुअली आई हैड अ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था वो इनविटेबल था इसलिए आपका क्लास रिशेड्यूल करना पड़ा चलो कोई नहीं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनटेंट आज खत्म कर देते हैं आराम से ये ख़त्म हो जाएगा आज दो ढाई घंटे में ठीक है आराम से हम लोग बेसिक्स इसके अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे ठीक है चलो सब लोग रेडी हैं जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ उसके बाद सो गेट स्टार्टेड हाँ जी इनएविटेबल ही बोला बेटा सिद्धार्थ अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं ठीक है टेंशन मत लो चलो शुरू करते हैं ठीक है हाँ जी तो गैज मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है ठीक है पता होगा मेरे बारे में ये कुछ कुछ है ठीक है सेकेंडली मैं आपको अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ जहाँ पे आपको नीट यू जी का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों ने बहुत स्पेशल क्लासेस देख के ये बता ही दिया होगा ठीक है वॉइस कम आ रही है आ, देखो अब ठीक आ रही है वॉइस क्या वॉल्यूम को क्या हुआ भाई अब वॉल्यूम आ रही है क्या बच्चों देखो तो बेटा प्लांट किंगडम भी करा दूंगा मैं प्लांट किंगडम भी मैं करा दूंगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी वॉल्यूम आ रही है Uh, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं ठीक है तो ठीक है तो आपको लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिलता है आप इंडिया के टॉप फोर्टी प्लस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जब भी प्लस पे आना मेरे सुपर रैंकर्स बैच में ज्वाइन करना मेरे सुपर रैंकर्स बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको वन और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको ये रेफरल कोड आनंद यूज़ करना है ए एन ए एन डी ये रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे और आप मेरे सुपर रैंकर्स बैच में इनरोल हो जाएंगे प्लस आपको स्टडी मटीरियल बिल्कुल मेरा क्यूरेटेड स्टडी मटीरियल आपको मिलेगा है ना स्टडी मटीरियल आपको मिल जाएगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हाँ जी बेटा बायो मॉलिक्यूल्स करा दूंगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ सब सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे टेंशन मत लो ठीक है हाँ जी चलिए सारे सारे ट्वेल्थ के चैप्टर्स मैं करा दूंगा टेंशन मत लो तुम लोग सोचो मत इतना शुरू करते हैं चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं हाँ चलिए ग्रेट तो बाबू सारे क्वेरीज आपके बाद में देखेंगे अभी इस चैप्टर को खत्म करते हैं ठीक है मैं अभी कोई भी क्वेरीज नहीं लूंगा चलिए शुरू करते हैं तो बच्चों हमने क्या देखा था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हमने पिछले क्लास में देखा कि जेनेटिक्स तुम्हारा होता है इनहेरिटेबल पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है वेरिएशन देखा था हेरिडिटी देखा था ठीक है तो अब हम क्या करते हैं मोलिकुलर बेसिस देखते हैं कि आखिर ये इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल है आखिर ये जो जेनेटिक मटीरियल है जो ये एक पीसी में नीचे में एक पीसी से दूसरे में जा रहा है वो कौन सा है तो ये जेनेटिक मटीरियल क्या है वॉट इज दिस जेनेटिक मटीरियल वॉट इज दिस जेनेटिक मटीरियल क्या है भाई ये जेनेटिक मटीरियल तो ये जेनेटिक मटीरियल या तो मेरा डी एन ए है या तो मेरा आर एन ए है एंड दीज डी एन एंड आर एन ए आर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज है ना ये क्या है ये आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज है दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है ना जो भी ये डीएनए आ ए आर ना आपको दिख रहा है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है यार रुको देखने दो क्या वॉइस का इशू आ रहा है तुम लोग का भी ना ये वॉइस तो फुल है बच्चों वॉइस फुल है वॉइस इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा ठीक है वॉइस इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा मैं एक बार और चेंज करके देखता हूँ ठीक है हाँ, आ रही आवाज अब अब बेटर आ रही होगी ठीक है अब बेटर आ रही होगी बेटा थोड़ा हेडफोन लगा लो या कुछ कर लो ठीक है वॉइस इतनी आ पाएगी ठीक हाँ, है ठीक हेडफोन यूज कर लो बेटा अब इतनी आ पाएगी वॉइस को अब कुछ ज़्यादा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बट वॉइस इतनी आ पाएगी ठीक है चलिए तो जेनेटिक मटेरियल जो है आपका वो डीएनए है और आरएनए है ठीक है डीएनए और आरएनए ये दोनों आपके पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का फिर आगे बात करेंगे ठीक है फिर आगे बात करेंगे पॉलि चेन का क्या स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो अगर हम एक पॉली चेन की बात करें अगर हम एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों हा चलो यार मत करो तंग ठीक है जिसको वॉल्यूम कम आ रहा है बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए आवाज ठीक है मुझे आवाज दिखाई दे रही है ठीक है चलो जो कोई नहीं सुनाई दे रही दिखाई बोल रहा हूँ चलो चलो यार पूरा रिदम खराब हो जाता है मत करो ठीक है, है मैं मैं देख नहीं रहा आप चैट ठीक है पूरा रिदम खराब हो जाता है चलो हां सुनो देखो क्या हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स हमने फैक्टर्स कहा था फैक्टर्स क्या था तुम्हारा जीन को मेंडल फैक्टर कहते थे रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज क्या चीज का बना है बाद में ये हमको पता चला कि ये मेरा डी और आर का बना है बाद में ये चला पता चला कि ये मेरा डी और आर का बना हुआ है तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ठीक है डी एन एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल डीएनए जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम आर एन ए दो इट ऑल्सो एक्स एज अटिक मटीरियल इट इज मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर है ना मैसेजर की तरह क्या ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है तो मैसेजर की तरह फंक्शन करता है आर एन एज एडिशनल रोल्स एज वेल और भी काम आर ए करता है इट फंक्शन एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल अभी हम लोग डिटेल में ये देखते जाएंगे ये हम लोग डिटेल में देखते जाएंगे तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए तो यहाँ पे ये यह आ गया तो यहाँ पे ये यह लिखा है कि डीएनए से डीएनए एन बना तो एप्लीकेशन डी से आर बना दो तो ट्रांसक्रिप्शन और आर से प्रोटीन बना दो तो ट्रांसलेशन ये सब कहानी है इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से पढ़ने की जरूरत है आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे द डीएनए से हम लोग बात करेंगे पहले हम डीएनए की बात करेंगे और डीएनए के हम पॉली न्यूक्लोटाइड चेन की बात करेंगे कैसा पॉली न्यूक्लोटाइड चेन होगा एक डीएनए का तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है ना डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा पॉलीमर होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं लेंथ क्या होता है तो लेंथ ऑफ द डीएनए इज ली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका उसको इस तरह से लेंथ हम डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा जैसे बैक्टीरियो फेज जिसको हम कहते हैं साई एक्स वन सेवन फोर ठीक है, है? इसमें होता है फाइव थ्री एट सिक्स न्यूक्लियोटाइड अच्छा एक चीज और लिख लो यहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है आपका क्यूबी बैक्टीरियो फेज क्यूबी बैक्टीरियो फेज के बारे में पूछता है लोग कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है क्यूबी बैक्टीरियो फेज के बारे में पूछता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तो बच्चों इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी वो क्या होता है कि वो आर होता है इसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो आर होता है ये आपको याद रखना है ठीक है क्यूबी बैक्टीरियो फेज का जेनेटिक मटीरियल आर होता है ठीक बैक्टीरियो फेज लामडा की बात करें दूसरा बैक्टीरियो फेज लामडा की बात करें तो इसको हम कहते हैं फोर एट फाइव जीरो टू बेस्पेयर ठीक है बैक्टीरियो फेज लामडा हैज फोर एट फाइव जीरो टू बेस एसपीयर इकोलाई हैज फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स बेस पेयर एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डी एन ए हैज थ्री पॉइंट थ्री इंटू तो अगर हम इसके डिप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे तो दैट विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर नाइन बेस पेयर दैट विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइन बेस पेयर ठीक है तो ये आ गया तुम्हारा तो थ्री पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंट नाइन बेस फेयर यहाँ पे आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटू आवर नाइन बेस पेयर तो इसी का पॉली न्यूक्लियोटाइड का लंबा पॉलीमर होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इसलिए हम इसको डीएनए या आरएनए कहते हैं तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तो अगर हम एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉली न्यूक्लोटाइड चेन तो कैसा होगा मेरा स्ट्रक्चर ऑफ अ अगेन मैं जितना लिखवा रहा हूं उतना ही आपके काम आएगा अगेन मैं जितना लिखवा रहा हूं उतना ही आपके कान आने वाला है तो प्लीज इतना तक ही अपना कोर्स को आप लिमिट रखेंगे ठीक है तो तीन चीज की हम बात करेंगे पहला चीज की हम बात करेंगे इसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजन बेस दूसरे की बात करते हैं उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर एंड तीसरे की बात करते हैं हम इसको कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप तीसरे की बात करते हैं इसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप ठीक है तो क्या है भाई तो तीन तरह का आ गया नाइट्रोजन बेस ठीक है पेंटोज शुगर ठीक है फॉस्फेट ग्रुप ठीक है नाइट्रोजन बेस और शुगर अगर आपस में जुड़े हुए हैं अगर नाइट्रोजन बेस और शुगर अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और अगर नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है अगर नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड मतलब कि अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड है अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप है तो ये न्यूक्लियोसाइड है ठीक है नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें अगर हम नाइट्रोजन बेस की सिर्फ बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस जो है मेरा ये दो तरह का होता है नाइट्रोजन बेस जो है मेरा ये दो तरह का होता है एक को हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को हम कहते हैं पिरीमिडीन, दूसरे को हम कहते हैं पिरीमिडीन। प्यूरिन जो है आपका ये नाइन मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है यह आप बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ेंगे प्यूरिन जो है आपका ये नाइन मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसपे नाइट्रोजन वन थ्री सेवेंथ और नाइन कार्बन पे रहता है इट इज नाइन मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर और जिस पे नाइट्रोजन है जिस पे नाइट्रोजन कहां हो रहा है नाइट्रोजन जो है आपका वो पहले तीसरे सातवें और नौवें कार्बन पे रहता है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है इसमें कहां पे रहेगा वन थ्री सेवेंथ और नाइन पोजीशन सॉरी कार्बन में बोल रहा हूं वन थ्री सेवन नाइन पोजिशन पे तुम्हारा रहता है प्यूरिन का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो प्यूरिन में आ जाएगा आपका एडिनिन एंड गुएन प्यूरिन का अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो प्यूरिन में आ जाएगा आपका एडेनिन एंड एन गुएन पिरिमिडिन में बात करेंगे तो पिरीमिडिन में क्या है पिरीमिडिन इज सिक्स मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और इसमें क्या है इसमें जो नाइट्रोजन है इसमें जो नाइट्रोजन है ये कहां पे है इसमें जो नाइट्रोजन है ये पहले और तीसरे कार्बन पे है पहले और तीसरे कार्बन बोल रहा हूं पहले और तीसरे पोजीशन पे है पहले और तीसरे पोजीशन पे है क्या नाइट्रोजन ठीक है इसमें आ जाएगा साइटोसिन गुआनिन और साइटोसिन सॉरी साथ, साइटोसिन और अरे यार शिट ओहो सब मिटा दिया मैंने अंडू का ऑप्शन नहीं आता इसमें क्या यार सारा ही मिटा दिया आज किस्मत ही खराब है मेरी सारा ही मिटा दिया यार चलो मैं अब यहाँ पर लिखा होगा एन सी आर टी से ही कर लेते हैं यहाँ पर लिखा होगा ठीक है चलो इसको फिर से लिखने का कोई पॉइंट नहीं है तो क्या है तो न्यूक्लोटाइड का तीन कॉम्पोनेंट होता है न्यूक्लोटाइड का तीन कॉम्पोनेंट होता है एक होता है तुम्हारा नाइट्रोजन बेस ठीक है दूसरा होता है तुम्हारा पेंटोज शुगर और तीसरा होता है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप ठीक है हमने देखा था न्यूक्लोटाइड का तीन कॉम्पोनेंट होता है एक हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन बेस ठीक है दूसरा हो गया तुम्हारा पेंटोज शुगर और तीसरा हो गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप तीसरा हो गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप ठीक है नाइट्रोजन बेस में दो तरह का आ गया नाइट्रोजन बेस में दो तरह का आ गया कैसा एक हो गया प्यूरिन और दूसरा आ गया पीरी प्यूरिन कैसा था नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर था है ना नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर था डबल रिंग स्ट्रक्चर था पेिमिडीन क्या था आपका सिक्स मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था सिक्स मेंबर्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था जिसमें साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन आ गया प्यूरिन में तुम्हारा एडनिन और गुआनिन आ गया साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल सिर्फ आर में प्रजेंट होता है ठीक है ये चीज़ याद रखना अच्छा दूसरा जो अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर भी दो तरह का है पहला होता है डी ऑक्सी शुगर डी ऑक्सी शुगर और दूसरा होता है राइबोज शुगर दूसरा होता है राइबोज शुगर दिख नहीं रहा मैं नई जगह पे लिख देता हूं दूसरा होता है राइबोज शुगर तो ये तुम्हारा अगर पेंटोज शुगर का हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा यहां पे तुम्हारा ये ऐसे आ जाएगा ये ऐसे आ गया ये ऐसे आ गया ठीक है ये तुम्हारा पेंटो शुगर है अगर 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 ठीक है यहां पे आ गया सी एच टू एच यहां पे एच यहां पे एच ओ एच यहां पे एच ओ एच और यहां पे एच और ओ एच ये तुम्हारा पेंटो शुगर है ठीक है तो ये वाला तुम्हारा राइबो शुगर है क्यों राइबो शुगर है बच्चों क्योंकि यहां पे दूसरे कार्बन पे यहां पे दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ठीक है अगर यहीं पे ये दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले सिर्फ एच एच होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी ऑक्सी शुगर यह आ जाएगा तुम्हारा डी ऑक्सी शुगर ठीक है तो तुम्हारे यहां पे क्या हुआ दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसलिए इसको हम कहते हैं डी ऑक्सी शुगर ठीक है हाँ जी अच्छा उसके बाद क्या है अब क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा रहता है किससे पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा रहता है पहले कार्बन से किससे पहले कार्बन से और किससे जुड़ा रहता है जिस बॉन्ड से जुड़ा रहता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो पहले कार्बन से जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इसके पास पहले कार्बन पे पहले कार्बन पे ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ और यहां पे जो बॉन्ड होगा इसको हम कहेंगे ग्लाइको सिडिक बॉन्ड ठीक है पांचवे कार्बन पे ये जो जुड़ा रहता है पांचवें कार्बन पे ये जो जुड़ा रहता है तो ये जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ और यहां पे जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फो बॉन्ड यहां पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे ध्यान देना यहां पे इसको हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ठीक है बहुत ध्यान देना बहुत ध्यान से देखना ठीक है तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमको यहां दिख रहा है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हमको यहां पे दिख रहा है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है ना अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ तो कैसे जुटेगा तो वो जुड़ेगा थ्री फाइव फॉस्फोडाइस्टर लिंक है यह लिख लीजिए अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहा है अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहा है तो ये जुड़ेगा थ्री फाइव फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज ये जुड़ेगा थ्री फाइव फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज ये जुड़ेगा थ्री फाइव फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये जुड़ेगा थ्री फाइव फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ ठीक है तो क्या हुआ पहले कार्बन पे जुड़ा नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन पे जुड़ा नाइट्रोजन बेस दूसरे कार्बन पे डीहाइड्रोक्सी शुगर है और पांचवे कार्बन पे, पे पेट ग्रुप है जिस पे पे बॉन्ड बॉन्ड बना बना हुआ है। उस पे बना हुआ है है उस ठीक है हाँ जी चलिए तो ठीक है तो ये तुम्हारा आ गया न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोस्टर बॉन्ड और यहां पे अगर दो के बीच में है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है ठीक है चलो एक बार रीडिंग मार लेते हैं एनसीआरटी का तो क्या कह रही है देखो तो क्या कह रही है एनसीआरटी एनसीआर कह रही है कि में में आ गया ये, में आ गया गया ये साइटोसिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है आरएनए में थायमिन के बदले यूरासिल प्रेजेंट होता है ठीक है द नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द एच ऑफ द फर्स्ट कार्बन पहले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है कैसे कैसे जुड़ा रहता है बाय पेंटो शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पे क्या जुड़ा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जिससे एक न्यूक्लियोसाइड बना नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बनाता है ठीक है जैसे एडीनोसिन आ गया डीऑक्सी ऑक्सी एडिनोसिन आ गया गुएनोसिन आ गया डीऑक्सी ऑक्सी गुएनोसिन आ गया सिटीडीन आ गया डीऑक्सी ऑक्सीडीन आ गया यूरिडीन आ गया एन डी ऑक्सी थान आ गया क्योंकि यहां पे यूरासिल के बदले थाइमिन था तो अगर वह फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू द फाइव ओ एच ऑफ कार्बन है ना फाइव प्राइम एंड पे लग रहा है तो इसको हम फॉस्फो फॉस्फोस्टर लिंकेज कहते हैं ठीक है और दो न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया वो फॉस्फो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है कैसा थ्री फाइव फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा जिससे दो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और इसी न्यूक्लियोटाइड से आराम से पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा इसी न्यूक्लियोटाइड से आराम से फिर पॉली चेन बनता है अ पॉलीमर दस फॉर्म एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट द फाइव एंड ऑफ द शुगर विच इज रेफर टू एस द फाइव प्राइम एंड ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है ना विच इज रेफर टू एस द फाइव प्राइम एंड ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तो मतलब फाइव एंड पे क्या लगा है फाइव एंड पे लगा है फॉस्फेट ग्रुप और थ्री एंड पे क्या लगा है थ्री एंड पे लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना थ्री एंड पे लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये पूरा पॉलि न्यूक्लोटाइड चेन होता है अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना इस पे क्वेश्चन आया हुआ था क्या द बैकबोन ऑफ अ पॉली न्यूक्लोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर फॉस्फेट ठीक है क्वेश्चन आता है कि कैसे बैकबोन बना होता है तो इट इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट ठीक है द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन तो बैकबोन किसका बना है बैकबोन बना हुआ है आपके शुगर एंड फॉस्फेट का द बैकबोन इज अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट द बैकबोन इज अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इस पर क्वेश्चन आया वही नीट का क्वेश्चन था ठीक है आरएनए में क्या होता है आरएनए में एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट है आरएनए में एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट है इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोस आल्सो इन आरएनए एन इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन थायमिन को हम फाइव मिथाइल यूरासिल कहते हैं मतलब पांचवें कार्बन पे इसके यूरासिल लगा रहता है ठीक है तो अगेन इससे दो कंपोनेंट आता है पहला कि डीएनए स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहां पे दो चीज़ों के कारण कैसा पहला कारण क्यों डीएनए स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहां पर डी ऑक्सीराइबो शुगर है, है ना दूसरा क्या है दूसरा यहां थायमीन है दूसरा यहां पे थायमीन इन दोनों चीजों की वजह से डीएनए स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल रहता है चलिए आगे बढ़ते तो ये तुमको स्ट्रक्चर दिख जाएगा तुमको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो अब देखो ये ये तुम्हारा नाइट्रोजन बेस अब इसमें देखो इस पर क्वेश्चन आता है इस तरह का तुमको ये दो दिख रहा है मतलब ये प्यूरिन है ये दो दिख रहा है ना तो ये तुम्हारा प्यूरिन आ गया ठीक है अगर ये एक दिख रहा है तो ये आ गया पिरीमिडीन ठीक है इस तरह से तुमको डिस्टिंग्विश करना होगा ठीक है यह फाइव प्राइमेंड जो ठीक है और तुम्हारा इधर थ्री एंड हो जाएगा ठीक है यह फाइव एंड हो जाएगा यह थ्री एंड हो जाएगा और ये पहला कार्बन है ठीक है ये पहला कार्बन होगा तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कार्बन ठीक है तो इसी को हम कहते हैं थ्री फाइव थ्री फाइव ये तीसरा है ये पांचवा है तो इस दोनों को हम लिंकेज इन दोनों लिंकेज को हम कहते हैं थ्री फाइव फॉसफो डाइस्टर लिंकेज यहां पे आ जाता है तुम्हारा थ्री फाइव फॉसफो डाइस्टर लिंकेज ठीक है तो ये आ जाता है पूरा एक स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लोटाइड चेन का ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाता है पॉली चेन का क्या है भाई तो इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन द सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस तो दूसरे कार्बन पे ये प्रेजेंट होता है इन आरएनए यूरेसिल इज आल्सो फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन ये मैंने आपको बता दिया ठीक है अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बात करें तो डीएनए की बात करें तो डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस अच्छा देखो डीएनए का डिस्कवरी कहते होते कुछ साइंटिस्ट साइंटिस्ट के नाम जान लो तो टर्म डीएनए जो सबसे पहले तुम्हारा आइडेंटिफाई किया था वो हमारे मिशर चचा ने किया था फ्रेडरिक मिशर थे इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था ठीक है इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था इन एटीन ठीक है ही टर्म द टर्म न्यूक्लियन तो ये न्यूक्लियन ने टर्म दिया था पहला ठीक है उसके बाद उसके बाद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर दिया था मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का एंड जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था या डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था तुम्हारा डीएनए का ठीक है तो 1953 में हुआ था यह इस पर भी क्वेश्चन आता है ठीक है और एक्सरे पे भी क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट के नाम जो मैंने गोल किए सारे आपको याद रखना है ठीक है तो आप इसके साथ एक और रूल आया था जिसको हम कहते हैं चारगाफ रूल चारगाफ रूल क्या बोल रहा था कि एडनिन हमेशा एडनिन हमेशा था के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ठीक है एडनीन हमेशा थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू वन इसको हम चागाफ्स रूल कहते हैं इसको हम चागाफ्स रूल कहते हैं और इस पर बहुत क्वेश्चन आता है इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ठीक है अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा ए प्लस टी बाई जी प्लस सी ज नॉट इक्वल टू वन ठीक है इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीसीज इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीसीज इस पर भी क्वेश्चन आता है फॉर अ स्पीसीज इंसान के लिए पॉइंट फाइव फाइव होता है इंसान के लिए लगभग वन पॉइंट फाइव फाइव होता है फॉर ह्यूमेंस फॉर ह्यूमेंस इट इज वन पॉइंट फाइव फाइव इट इज वन पॉइंट फाइव फाइव इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अज ठीक है अच्छा इस पे आते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं लिखो लिखो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं लिखिए इस पे न्यूमेरिकल आएंगे पहला अगर क्वेश्चन अगर आ गया आपका मान लो कि हम क्वेश्चन लिख दिए क्वेश्चन लिखो कि अगर क्वेश्चन लिखो किन एस हैज फाइव हंड्रेड पेयर्स ठीक है फाइव हंड्रेड पेयर्स और इसमें ट्वेंटी परसेंट एडेनिन है इसमें ट्वेंटी परसेंट एडेनिन है फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड द नंबर ऑफ बनाओ फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी कमेंट करो जल्दी कमेंट करो दो मिनट दे रहा हूं मैं फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी फटाफट फटाफट देखते कौन आंसर देता है ग्यारह सौ दो सौ बीस ग्यारह सौ भाई बहुत ज्यादा अकलमंद हो तुम लोग छह सौ पचास चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या है भाई क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं तुम लोग बहुत तेज कैलकुलेशन कर लिए भाई क्या कह रहा है कह रहा है कि 500 सौ बेस पेयर है 500 सौ पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड कितना हुआ न्यूक्लियोटाइड कितना हुआ हजार न्यूक्लियोटाइड हो गया हजार न्यूक्लियोटाइड हो गया तो हजार न्यूक्लियोटाइड है हजार न्यूक्लियोटाइड तो है तो ट्वेंटी परसेंट एडेनिन है ट्वेंटी परसेंट एडेनिन है तो कितना हो गया तो टू हंड्रेड एडेनिन हो गया ऑब्वियसली टू हंड्रेड क्या होगा थाइमिन भी होगा एडेनिन थायमिन का इतना होगा है ना टू हंड्रेड थाइमिन भी होगा एडेनिन और थायमिन के बीच में कितना बॉन्ड था एडेनिन और थायमिन के बीच में कितना आएगा तो यहां क्या आ जाएगा टू हंड्रेड

तो इसमें कितना हो गया? तीन सौ तीन सौ इंटू थ्री कितना हो गया कितना हुआ नाइन हंड्रेड तो कितना हो गया दस से ग्यारह बारह तेरह सौ हुआ ना क्या होगा कैलकुलेशन भी नहीं आता सॉरी तीन सौ इंटू तीन नौ सौ हुआ ना नौ हजार कर दिया नौ सौ हुआ ठीक है नौ सौ और प्लस चार सौ तेरह सौ समझ में आया सबको हाँ या नहीं समझ में आया क्या नहीं आया समझ में नहीं आया समझ में चलो एक और क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा मैच देखते हो ना तो तुम लोग का हवा टाइट हो जाता है एक और क्वेश्चन लिखो एक और क्वेश्चन लिखो एक और क्वेश्चन लिखो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ देखो देखो बच्चों अच्छा चलो थोड़ा सा और और, और एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन करते हैं ठीक है एक और छोटा क्वेश्चन लिखो 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 अब मान लो यहाँ पे यहां, पे बेस, पे यहां पे है है? बेस, पे बेस पेयर मान लो बेस पेयर यहाँ पे पचास है ठीक है फिफ्टी पेयर है एक न्यूक्लोटाइड में ठीक है एक न्यूक्लोटाइड में फिफ्टी पेयर है ठीक है अगेन यहां पे ट्वेंटी परसेंट एडिनिन है ट्वेंटी परसेंट एडिनिन है बताओ क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ जल्दी फटाक से हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ जल्दी फटाक से जल्दी जल्दी फटाक से हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ चलो एक सौ चालीस अच्छा कोई नहीं कोई नहीं बताओ अभी मैं फिर से बता रहा हूं फिर से बता रहा हूं ठीक एक सौ दस दो सौ एक सौ चालीस एक सौ तीस बाप एक सौ तीस चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या है क्या सीन क्या चक्कर क्या है मैटर क्या है भाई मैटर यहाँ पे एक बेस पेयर कितना है बेस पेयर कितना है बेस पेयर पचास बेस पेयर है पचास बेस पेयर तो कितना होगा न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ देखो मेरे साथ लिखते जाओ न्यूक्लियोटाइड इस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ तो पचास इंटू टू दैट इज इक्वल टू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा बीस तो बीस मान लो एडिनिन हो गया है ना बीस मान लो एडिनिन हो गया ठीक है तो जितना एडिनिन है उतना ही कितना उतना ही क्या है उतना ही मेरा थाइमिन है उतना ही मेरा थाइमिन है तो यहाँ पे बीस थाइमिन भी मान लो है ना तो बीस एडिनिन और बीस थाइमिन ये आपस में किससे जुड़ा होगा एक एडिनिन एक थाइमिन के साथ जुड़ा है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ तो कितना हो गया तो बीस एडिनिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बीस थाइमिन के साथ जुड़ा रहेगा तो एक के साथ एक के साथ दो है तो इंटू टू कर दो तो कितना आ गया फोर्टी फोर्टी हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ठीक है अच्छा दूसरे केस में क्या हुआ अब इसमें कितना बचा तो तु, तु, तुम्हारा ये खत्म हो गया बीस बीस चालीस हो गया सिक्सटी बचा यहां पे यहां पे सिक्सटी बचा तो सिक्सटी के तो तो थर्टी और साइटोसिन भी यहां पे थर्टी तो गुआनिन थर्टी साइटोसिन यहां पे थर्टी इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो तीस है ऐसा तीस इंटू तीन दैट इज इक्वल टू 90 तो so 90 प्लस 90 प्लस फोर्टी दैट इज इक्वल टू वन थर्टी आया समझ में सबको हाँ या नहीं आया समझ में सबको हाँ या नहीं जल्दी बता दो आया सब समझ में समझें? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अगर अगर बेस्पेयर दिया है तो इंटू टू कर लेना अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड दिया है तो डायरेक्टली निकाल लेना ठीक है अगर बेस पे दिया है तो न्यूक्लियोटाइड निकाल लेना अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड दिया है तो इसमें निकाल लो ठीक है बेटा एडिनिन 20% है तो एडिनिन 10 कैसे हो गया एडिनिन 20% परसेंट और तो एडिनिन 10 कैसे हो गया बाबू है ना एडिनिन ट्वेंटी 20... यार बेस पेयर दिया है तो इंटू कर लेना एडिनिन दिया है तो इधर आ जाएगा ठीक है हाँ यार एक और क्वेश्चन जगह कहाँ है चलो एक और क्वेश्चन लिखो लिखो एक और क्वेश्चन जल्दी यार लेट हो जाएगा बाबू फिर क्लास कैसे कब खत्म होगा सुनो अब लिखो नंबर ऑफ बेस पेयर दिया है मान लो दो हजार ठीक है नंबर ऑफ बेस पेयर दिया है दो हजार एडनिन दिया है थर्टी परसेंट या मान लो साइटोसिन दिया है इस बार थर्टी परसेंट लो इस बार कर लो साइटोसिन दिया है थर्टी परसेंट साइटोसिन दिया है थर्टी परसेंट बताओ क्या होगा रेशियो बता दो हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन दिया है थर्टी परसेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बता दो जल्द। जल्दी 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 बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फिफ्टी टू हंड्रेड वन थर्टी वन थर्टी अभी तक वन थर्टी पे ही हो अरे सिंपल है ना क्या कह रहा है बेस बेसपेयर कितना है दो हजार तो न्यूक्लियोटाइड कितना होगा चार हजार है ना तो चार हजार का तीस परसेंट निकाल लो पहले चार हजार का थर्टी परसेंट निकाल लो है ना तो फोर हजार फोर थाउजेंड इंटू थर्टी बाय हंड्रेड कितना हो गया गया? तो चार तिया बारह बारह सौ हो गया है ना? तो ट्वेल्व हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड तो जितना साइटोसिन है उतना गुएनिन होगा तो साइटोसिन ट्वेल्व हंड्रेड गुएनिन ट्वेल्व हंड्रेड तो यहाँ ट्वेल्व हंड्रेड इन थ्री आ गया ठीक है और उसके बाद आप ट्वेंटी फोर हंड्रेड में फोर थाउजेंड माइनस कर दो अब यहाँ पे फोर थाउजेंड माइनस कर दो ट्वेंटी फोर हंड्रेड में तुम्हारा जो वैल्यू आएगा ठीक है तो जीरो जीरो छ और एक सोलह सौ सोलह सौ में कितना हो गया सोलह सौ बाई टू कर दो तो कितना आ गया आठ सौ तो तुम्हारा एडिनिन आठ सौ और थाईमीन आठ सौ तो आठ सौ इंटू टू सोलह सौ तो यहाँ पे आठ सौ इंटू टू कितना आ गया सोलह सौ बाउंड आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे ये यह निकाल दो ठीक है तो तुम्हारा क्या आ गया तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस सोलह सौ तो आगे आपका है ना फिफ्टी टू हंड्रेड है ना तो यहाँ पे इस तरह से आपको निकाल क्या अच्छा थर्टी सिक्स हंड्रेड सॉरी ट्वेंटी फोर हंड्रेड करें ट्वेल्व थ्री का थर्टी सिक्स हंड्रेड हो गया ना हाँ थर्टी थर्टी सिक्स हंड्रेड हो गया ठीक है ठीक है हाँ फिफ्टी टू हंड्रेड हो गया फिफ्टी टू हंड्रेड हो गया ठीक है थर्टी सिक्स हंड्रेड और ये फिफ्टी टू हंड्रेड तक हाँ ठीक ग्रेट हाँ जी ठीक है चलो तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो इस तरह से तुम निकाल सकते हो हाँ। चल आगे बढ़ते हैं तो चलो ये तुम्हारा आ गया एडिनिन एडिनिन का स्ट्रक्चर ठीक है तो एक और चलिए आगे बढ़ते हैं बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या है यूनिक प्रॉपर्टी दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर हाँ बताया था मैंने बेस्ट सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंड इज नोन देन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्टैंड कैन बी प्रिडिक्टेड बता दिया आपको ठीक है तो इस तरह से यह तुम्हारा आ गया तो डीएनए का स्ट्रक्चर एडवेंट फीचर क्या क्या है डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पहला इट इज मेडअप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ठीक है वे आर द बैकबोन कंस्टिट्यूट ऑफ शुगर फॉस्फेट ठीक है एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड बेस अंदर की तरफ रहता है तो बैकबोन बना होता है शुगर एंड फॉस्फेट ये आंसर है ठीक है और बेस अंदर की तरफ प्रो, प्रोजेक्ट करता है ठीक है इस पर बार बार क्वेश्चन आया हुआ अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बैकबोन बना होता है शुगर फॉस्फेट का एंड बेस जो है बेस जो है ये प्रोजेक्ट करता है बेस जो है ये प्रोजेक्ट करता है अंदर की तरफ ठीक है दोनों चेन एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है मतलब एक फाइव थ्री है तो दूसरा थ्री फाइव होगा एडिनिन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ठीक है अच्छा स्ट्रक्चर देखो द दे टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन ये जो डीएनए की बात कर रहा है इसको हम कहते हैं बी डीएनए डीएनए की बात कर रहा है इसको हम कहते हैं बी डी एन हम कहते हैं बैलेंस डीएनए इसको हम कहते हैं बैलेंस डीएनए ठीक है आप लोग को मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए पढ़ना है तो आपको ये बी डीएनए ही पढ़ना है जेड जिग जैग होता है ये ऑल्टरनेट होता है आपको बाकी टाइप्स ऑफ डीएनए नहीं पढ़ना है सिर्फ बैलेंस डीएनए के बारे में ही पढ़ना है ठीक है तो द टू चेन्स ऑफ द क्वाइल्ड आर इन राइट हैंडेड फैशन पिच ऑफ द हेलीस थ्री पॉइंट फोर नाइन मीटर दैट इज वन बिलियन अ मीटर हाँ ठीक है ठीक है तो ऐसे आगे देखो तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो डीएनए का कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये मान लो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है अच्छा इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है अगर हम तुमको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बता दें तो तुमको लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है या अगर मान लो हम तुमको लेंथ ऑफ डीएनए बता दिए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने पे भी क्वेश्चन आ सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे तो दिखाते हैं क्वेश्चन ठीक है थ्री फाइव और ये मान लो फाइव थ्री है ठीक है तो अब इसका जो ये डायमीटर है इसका जो डायमीटर है दैट इज ट्वेंटी आमस्ट्रॉन्ग इसका जो डायमीटर है ये तुम्हारा बीस आमस्ट्रांग है ये जो है ये होता है थर्टी फोर आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो है यह होता है थर्टी फोर आर्मस्ट्रोंग और इसमें दस पेयर है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है दस बेस पेयर होते हैं और इन दस पेज पेयर के बीच का जो लेंथ होता है इन दस पेज पेयर के बीच का जो लेंथ होता है दैट इज दैट इज थ्री पॉइंट फोर आर्मस्ट्रॉन्ग थ्री पॉइंट फोर आर्मस्ट्रॉन्ग इन सबको नैनोमीटर में कंप्लीट करोगे तो क्या होगा ये तुम्हारा टू नैनोमीटर आ जाएगा ठीक है यह तुम्हारा थ्री पॉइंट फोर नैनो आ जाएगा यह तुम्हारा जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइनोमीटर आ जाएगा तुम इस सबको कन्वर्ट कर सकते हो नैनोमीटर में ठीक है यह तुम्हारा जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइनो आ जाएगा ठीक है अब मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन मैं घुमा दूँ तुमको सेम क्वेश्चन मैं आपको घुमा दूँ कि अगर हम बोल दें कि थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो तुम लोग अपने फोन का क्योंकि मुझे अभी डेटा याद नहीं है कुछ ऐसा ईजी कैलकुलेशन वाला वैसे क्वेश्चन आएगा कुछ ईजी कैलकुलेशन वाला अगर मैं बोल दूँ कि लेंथ ऑफ अ डी एन एज वन मीटर ठीक है अगर हम बोल दें लेंथ ऑफ अ डी एन एज वन मीटर और इसमें बोले कि ट्वेंटी परसेंट एडिनिन है इसमें बोले ट्वेंटी परसेंट एडिनिन है तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ठीक है और इससे तुमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालो निकालो क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालो सिंपल फार्मूला है तो लेंथ ऑफ डीएनए अगर दिया हुआ है सिंपल फार्मूला है हाँ ठीक है नहीं लिख नहीं लिख रहे बेटा मुझे पता नहीं चलता मेरे लिए तो स्क्रीन है मेरे लिए हेड नहीं है ना ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा निकल जाएगा क्या बच्चों निकल जाएगा सिंपल फार्मूला है मैं तरीका बता देता हूँ डेटा कुछ भी हो जाएगा निकल जाएगा हाँ या नहीं जल्दी बताओ निकल जाएगा नहीं ईजी है जो भी लेंथ दिया होगा उसको थ्री पॉइंट फोर आर्मस्ट्रांग से माइनस कर देना ठीक है जो भी लेंथ दिया होगा उसको डिवाइड कर देना किससे उसको डिवाइड करना थ्री पॉइंट फोर आम से उसको डिवाइड करना थ्री पॉइंट फोर आम से तो तुमको नंबर ऑफ बेस पे निकल जाएगा नंबर ऑफ बेस बेसपेयर निकल जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई करोगे इंटू टू से न्यूक्लियोटाइड निकल जाएगा है ना नंबर ऑफ बेस पेयर से निकाल दोगे तो न्यूक्लियोटाइड निकल जाएगा तो इस तरह से तुम्हारा वैल्यू निकल सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह का ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसको कैलकुलेटर से यूज कर लेना वैसे तुमको ईजी कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन दे देगा तुमको कोई ईजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे देगा है ना हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये आ जाता है तुम्हारा ठीक तो ये तुम्हारा साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए आ गया क्या क्या भाई तो ये 0.34 नैनोमीटर का हो गया यहां पे, 0.34 नैनोमीटर का हो गया यहां पे, ठीक है द प्लेन ऑफ वन पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर दिन दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल क्या गलत लिख दिया बेटा अरे कोई बात नहीं हो जो भी लिखा हुआ क्या गलत लिखा है थर्टी फोर आंसर ठीक तो है बेटा थर्टी फोर थ्री पॉइंट फोर ठीक तो है hmm. ठीक नहीं नहीं ठीक है बेटा ठीक ठीक है हाँ चलो ठीक है तो यहां पे तुम देखो एडेनिन थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बेटा मैं जेनेटिक्स पे न्यूमेरिकल्स एक क्लास ही कर दूंगा ठीक है जेनेटिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स हैं इस पर एक क्लास ही कर दूंगा टेंशन मतलब ठीक हाँ। है ठीक है बेटा इसमें ये देखो ये देखो अब तुमको समझ में आएगा देखो देखो क्या है अगर मान लो हम डायमीटर फिर से लिख रहे हैं सुनो तुम लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हो भाई ये देखो रट्टू तोता मत बनो ठीक है रटने का चीज जो था वहां रटा दिए जहां पे समझने का है वहां समझो ये मान लो अगर थ्री फाइव है तो ये मान लो सॉरी थ्री फाइव है तो ये मान लो फाइव थ्री हो गया क्या बोला था मैंने यहां डायमीटर ट्वेंटी आर्मस्ट्रॉग ट्वेंटी लिखेंगे to, to 10 to 10 इतना फिजिक्स पढ़ते तो पता होगा ना और वन इक्वल टू टेन टू दवा माइनस नाइन मीटर तो इसको हम लिख सकते हैं ना टू नैनोमीटर इसको हम लिख सकते हैं ना टू नैनोमीटर इसको अगर हम लिख रहे हैं थर्टी फोर आर्मस्ट्रॉन्ग तो हम इसको लिख सकते हैं ना थ्री पॉइंट फोर और इसमें दस बेसपेयर है तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं ना ये लिख सकते हैं ना थ्री पॉइंट फोर अगर दस से डिवाइड कर दोगे तो थ्री पॉइंट फोर आर्म स्ट्रॉन्ग या इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइनो मीटर या हम इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइनो मीटर मेन जो घूमता है ग्रुप वो मेजर ग्रुप है ठीक है इट इज राइट हैंडेड रोटेटरी इट इज राइट हैंडेड रोटेटरी इट इज राइट हैंडेड रोटेटरी ठीक है हां हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा ये दो इन दोनों के बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ठीक है इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमारे क्रिक चचा थे इन्होंने एक और टर्म दिया जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा हमारे क्रिक चचा थे इन्होंने एक और टर्म दिया जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा में क्या होता है डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम रेप्लीकेशन कहते हैं ठीक है डीएनए से अगर आर बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आर से अगर प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं इसमें एक चीज ऐड करो जो आपके एन में नहीं दिया जाता है इसको हम कहते हैं टेमिनिज्म 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 मतलब टेमिनिज्म में क्या होता है कि आर से डी बनता है आर से डी बनता है विच कैन बी सीड इन केस ऑफ वायरस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल रहा है वायरस के केस में वायरस के केस में यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एंड द इंजाइम यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द इंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द इंजाइम यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है इसको बाल्टीमोर कहते हैं ठीक है टेमिनॉर बाल्टीमोर कहते हैं ठीक है डेमिन एंड बाल्टीमोर ठीक है ये हमारे क्रिक चचा ने दिया था ये हमारे क्रिक चचा ने दिया था ठीक है अब आते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे होता है तो अगर हम बात करें प्रो के केस में तो प्रो के केस में कुछ खास पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नहीं होता यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सिंपल जो डीएनए है वो एक जगह पे एग्रीगेटेड रहता है एंड इट इज केप्ट प्लेस बाय अ सेट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम पॉली पॉलीअमाइंस कहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है डीएनए एक जगह एग्रीगेटेड होता है एंड इट इज सेट बाय नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम पॉली पॉलीअमाइंस कहते हैं और एक जगह पे रहता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑप्सेंट होता है ठीक है बट अगर हम इंसानी डीएनए की बात करते हैं अगर हम इंसान के डीएनए की बात करते हैं ठीक है अगर हम इंसान के डीएनए की बात करते हैं इंसान के डीएनए में क्या होता है बाबू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर नाइन पेयर होता है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइन बेसपेयरस होते हैं और इसका जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट टू मीटर्स का आता है तो हम इसको कॉइल करते हैं कैसे कॉइल करते हैं तो इसको हम कॉइल करते हैं न्यूक्लियो में हम इसको कॉइल करते हैं न्यूक्लियो में ठीक है जब हम इसको कॉइल करते हैं न्यूक्लियोजोम में कैसे भाई कैसे करते हैं तो ये सपोज मान लो ये सपोज मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियो जोम है तो न्यूक्लियोजोम जो आपका बना होता है ये दो तरह के आठ तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है इट इज अप ऑफ एट डिफरेंट सेट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जगह है क्या मेरे लिए हाँ जगह है ना ठीक है इट इज अप ऑफ एट डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एट सेट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं पहला होता है तुम्हारा एच टू ए दूसरा होता है तुम्हारा एच टू बी तीसरा होता है तुम्हारा एच थ्री और चौथा होता है तुम्हारा एच फोर और इंटू टू ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टामेयर ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टाम और इस पर डी एन ए आपका रैप करता है इस पर डी एन ए आपका रैप करता है इस पे डीएनए आपका रैप करता है और क्या करता है डीएनए आपका रैप करता है और ये यहां पे चिपका रहता है बाय द हेल्प ऑफ एच वन हिस्टोन प्रोटीन ये आपका चिपका रहता है यहां पे इसको हम कहते हैं एच वन हिस्टोन ठीक है तो आप याद रखिएगा डीएनए जो आपका है वो निगेटिवली चार्ज है डीएनए जो आपका है वो निगेटिवली चार्ज है हिस्टोन जो आपका है वो पॉजिटिवली चार्ज है हिस्टोन जो आपका है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन सा था बेसिक अमाइनो एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हो लाइसी नैन आर्जिन इन लाइसी िन इट इज रिचिन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन यहां पर एक न्यूक्लियोजोम में दो सौ बेसपेयर होता है एक न्यूक्लियोजोम में दो सौ बेसपेयर होता है ठीक है याद रखियेगा एक न्यूक्लियोजोम में दो सौ बेस्पेयर होता है ठीक है बहुत सारा न्यूक्लियोजोम आपस में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सोलेनोइड कहते हैं और यह सोलेनॉइड फिर से बनाता है क्रोमैटिन यह सोलेनॉइड फिर से बनाता है क्रोमैटिन बाय द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन तो देखो क्या होता है डीएनए प्लस हिस्टोन आपका बनाता है न्यूक्लियोजोम आपका बनाता है न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोजोम से बनता है आपका सोलेनॉइड सोलेनॉइड आपका कंबाइन कर जाता है सपोज मान लो कि एक है दूसरा है तीसरा है चौथा है पाँचवा है ये आपस में एक जगह कंबाइन कर जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशल सेट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और इसको हम लोग नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन इसको हम लोग नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन और इस स्कैफोल्डिंग प्रोटीन की वजह से ये जुट जाता है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन की वजह से ये जुट जाता है ये चिपक जाता है ठीक है और ये बनाता है फिर क्या ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर या बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है ये बनाता है आपका बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसा बनाता है ये बीट्स सोन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब मोती के माला जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है अब क्रोमैटिन भी हमारा दो तरह का होता है एक को हम कहते हैं यू क्रोमैटिन यानी लूजली स्टेन अगर कोई क्रोमैटिन अगर हम स्टेन करते हैं या इसको क्रोमैटिन को अगर हम स्टेन करते हैं तो दो तरह का आता है एक को हम कहते हैं लूजली लूजली बाउंड या लूजली स्टेन अगर है तो इसको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन इसको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन और दूसरा जो होता है बच्चों ये टाइटली बाउंड या टाइटली लिंक्ड है तो उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं दूसरा जो है ये टाइटली बाउंड या इसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं या इसको हम हेट्रो क्रोमैटिन कहते हैं टाइटली बाउंड को हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं ठीक है तो जो जो लूजली बाउंड है या जो यूक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये वाला जो है ये इनएक्टिव होगा ये वाला जो है यह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा ठीक है तो देखो एक बार एन ची आर टी पढ़ते हैं तो टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइनोमीटर ठीक है इफ द लेंथ ऑफ डीएनए इज काउंटेड तो कर लो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइन ठीक है बेस पेर हो गया इंटू जीरो पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करके काट देना आंसर आ जाएगा तुम्हारा टू पॉइंट टू मीटर्स तो ये ह्यूमन डीएनए का एक लेंथ होता है ठीक है ये डिप्लॉइड का है का आधा हो जाएगा ठीक है तो ये तुम्हारा इस तरह से आ जाता है ठीक है अच्छा अगर क्वेश्चन तुमसे इस तरह पे यहां पे एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो हम तुमको लेंथ ऑफ डीएनए दिए हैं अगर मान लो तुमको लेंथ ऑफ डीएनए पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियो बता सकते हो क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियो बता सकते हो क्या बच्चों हाँ या नहीं अगर मान लो लेंथ ऑफ डीएनए इतना है तुम्हारा 2.2 मीटर है इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियो बता सकते हो क्या अगर मान लो इसका नंबर ऑफ डीएनए ये है तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियो बता सकते हो क्या कुछ नहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालो बाई टू हंड्रेड का दो है ना है ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालो और बाय टू हंड्रेड का दो सिंपल है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटॉन निकालने के लिए क्या करना होगा सिर्फ कुछ नहीं जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इसको बाई टू हंड्रेड कर देना ठीक है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय टू हंड्रेड तो इस तरह से तुमको घुमा के कुछ तरह भी किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से तुमको घुमा के किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है है ना हाँ हाँ एस वन को कंसिडर नहीं करेंगे हिस्टोन ऑक्टोमन बाबू एच वन अलग होता था ये देखो ये है ना ये ये चार प्रोटीन मिलके तुम्हारा हिस्टोन का ये तुम्हारा बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर ऑक्टामर मतलब आठ प्रोटीन तो आठ प्रोटीन कौन सा है चार प्रोटीन इंटू टू एस टू एस टू बी एस थ्री है एच फोर ये चार मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है एच वन को आप कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है चलिए ग्रेट 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 ठीक है तो ये आपका हो गया ठीक है तो इन प्रो कैरियो ये तुम्हारा आ जाता है रीजन जो न्यूक्लोइ करते हैं आया समझ आया हाँ या नहीं आया समझ आया हाँ या नहीं जल्दी बताओ नंबर ऑफ बेस बेस्पियस नंबर ऑफ बेस पेयर्स में तुम्हारा यार नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखो सीधा सीधी बात है ना कि न्यूक्लियोटाइड से भी डिवाइड करोगे तो एक कितना होता है 200 सौ पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड से करोगे तो 400 कर दो हां नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ कर दो नंबर ऑफ बेस पेयर बाय 200 कर दो और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा है तो 400 कर दो ठीक है अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तुमको पता है बाई फोर हंड्रेड कर दो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है तो बाय फोर हंड्रेड कर दो न्यूक्लियो कितना होता है एक न्यूक्लियोजोम में दो सौ पेयर होता है एक न्यूक्लियो में दो सौ पेयर होता है दो सौ पेयर एक न्यूक्लियोजोम में दो सौ पेयर होता है तो यहां से पता चलेगा ठीक है समझ आए लिखो लिखो तुम लोग लिखो भाई तुम लोग लिखो तभी तुम लोग समझोगे ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग लिखो तभी तुम लोग समझोगे नहीं तो ऐसे नहीं समझोगे सुनो लिखो 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 नंबर ऑफ न्यूक्लियो नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ अलियोजोम लिखो नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ न्यूक्लियोजोम लिखो नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ न्यूक्लियोज़ोम कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टू हंड्रेड ठीक है टू हंड्रेड पेयर होता है ठीक है तो अगर हमको लेंथ दिया हुआ है अगर हमको लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ से हम नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल सकते हैं और ये नंबर ऑफ बेस बाई टू हंड्रेड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियो मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम मिल जाएगा सिंपल यूनिटरी मेथड है है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोजोम मिल जाएगा ठीक है हाँ चल बस ठीक है तो इन यू कैरियो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस टोन्स प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कौन कौन सा तो यहाँ पे रिच बेसिक अमाइनो एसिड होता है लाइसिन और आर्जिनिन तो यहाँ पे यह बनाता है हिस्टोन ऑक्टमर हिस्टोन ऑक्टमर से फिर क्या बनता है हिस्टोन ऑक्टोबर से तुम्हारा बनता है न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोजोम में कितना बेस पेयर है दो सौ पेयर होता है ठीक है तो इसका हमको उसके बाद बनता है क्रोमैटिन क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज होता है बीट्स ऑन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है एक मोती के माला जैसा स्ट्रक्चर ठीक है बीट्स ऑन लाइक स्ट्रक्चर इज पैक टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स ठीक है जो बनाता है क्रोमोजोम्स तो पैकिंग कैसा कैसा है दो तरह का है तुम्हारा पैकिंग के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन यूज होता है तो पैकिंग में दो तरह का होता है एक अगर लूजली टेप बाउंड है तो यूक्रोमैटिन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है अगर टाइटली बाउंड है तो हेट्रोक्रोमैटिन जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है टाइटली बाउंड है तो आई क्यूज इन ठीक है अगला अगला आते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या जेनेटिक मटेरियल था अब कहानी थोड़ा पीछे जाते हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी जल करेंगे इसमें बहुत हम लोग पढ़ा हुआ है बहुत बार पढ़ा हुआ तो है तुम लोग इसको जल्दी जल्दी जल करेंगे ठीक है तो हमारे एक चचा हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रिफिथ चचा ठीक है तो नाइनटीन में हमारे एक ब्रिटिश डॉक्टर भाई साहब थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ही वॉज वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया ही वॉज वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया और इन्होंने बोला कि दो तरह का कॉलोनी बन रहा है अच्छा दिस कॉलोनी इज ड्यू टू यहां पर जो कॉलोनी बन रहा है दो तरह का ये कॉलोनी जो है यह आपका कार्बोहाइड्रेट की वजह से है इट इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट इट इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट इस पे क्वेश्चन आता है ठीक है ये जो कॉलोनी बना हुआ है इट इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट अभी एनटीए पे क्वेश्चन आया हुआ था इस पर ठीक है तो वेन स्टेप्टोकॉकस निमोनिया बैक्टीरिया व ग्रोन इन कल्चर प्लेट तो हमको मिला स्मूथ शाइनी एस प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज आर तो दो तरह का कॉलोनी मिला हमको एक आर स्ट्रेन मिला एक एस स्ट्रेन मिला आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है आर स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है उसके कोई ड्रामे नहीं है वो मारता नहीं है किसी को ठीक है

कुछ करते हैं तो क्या किया ग्रिफिथ चाचा ने ग्रिफिथ चाचा ने हमारे एक काम किया ग्रिफिथ चाचा ने क्या किया कि ने हीट की डाला। हीट डाला तो हुआ यो तो हुआ क्या हुआ क्या हीट की एस्टेंड जैसे माइस में डाला तो चूहा जिंदा रह गया की किल जब माइस में डाला तो चूहा चूहा जिंदा रह गया ठीक है बट फिर आप इसने बोला कि आप कुछ और करते हैं तो इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन डाल दिया लाइव आर स्ट्रेन डाल दिया और देखा जादू जादू चूहा मर गया चूहा मर गया तो इसका क्या किया जाए इसका किया गया ऑटोपसी मृत्यु का कारण पता किया जाए है ना इसका किया गया ऑटोपसी और यहाँ पे मिला और एक दूसरा जादू यहाँ पे मिला लाइव आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मतलब हमको जिंदा वैरायटी ऑफ आर स्ट्रेन और स्ट्रेन इस चूहा के अंदर मिल गया जिंदा वैरायटी ऑफ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन इस चूहा के अंदर मिल गया अच्छा भाई ये जो मरा हुआ लौंडा था ये जिंदा कैसे हुआ तो इसने क्या बोला इसने क्या बोला कि देयर मस्ट बी समथिंग इन द हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया कुछ तो है दया है ना देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी समथिंग इन द हीट किल्ड एस्ट्रेन ट किल एस स्ट्रेन क्या किया जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को एसट्रेन में जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को एसट्रेन ने मतलब कि इसने एस्ट्रेन ने अपना जेनेटिक मटीरियल आर स्ट्रेन में डाल दिया एसट्रेन में अपना जेनेटिक मटीरियल आर स्ट्रेन में डाल दिया इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ठीक है अब मुद्दे की बात यह थी कि कर तो दिया ये इसमें चूहा मर भी गया कर तो दिया ये इसमें चुआ मर भी गया लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि जा क्या रहा था भाई चला गया बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बहुत अच्छी बात है ये मर गया बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मर गया बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आर स्ट्रेन का आर स्ट्रेन का किसमें में क्यों क्योंकि हीट की अपना जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में डाल दिया ठीक है अब ये जेनेटिक मटेरियल था क्या भाई? ये जेनेटिक था क्या जिसको डाल दिया? ये कैसे पता चलेगा वॉट वॉज दिस जेनेटिक मटीरियल ये तो मुझे पता ही नहीं है वॉट वॉज दिस जेनेटिक मटीरियल ये तो मुझे पता ही नहीं बच्चों ये जेनेटिक मटेरियल था क्या जो चला गया ये जो गया उसका नाम क्या था उस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या था जो चला गया हाँ जी बताइए ठीक है तो जेनेटिक मटेरियल क्या था बच्चों तो जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल में तुम्हारा चार चीज हो सकता था बैक्टीरिया में क्या होगा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है प्रोटीन हो सकता है आर एन ए हो सकता है और डी एन ए हो सकता है तो उसके बाद तीन और साइंटिस्ट आए हमारे मेकलॉड चचा मेकार्टी चचा एंड एवरी चचा ठीक है ये तीन चचा है और ये तीनों चचा ने बोला कि पता कर लिया जाए क्या है ठीक है तो कुछ नहीं सिंपल सा एक बैक्टीरिया लिया हीट की लेस्ट्रेन को उसमें से एक एक कंपोनेंट हम निकालते रहे हम सेम एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको हम रिपीट किए चार बार ठीक है चार बार मतलब पहला अगर मान लो कि हम लिपिड हटाना है तो लाइपेज डाल दो प्रोटीन हटाना है हमें तो तीन कंटेनर था प्रोटीन आरएनए और डीएनए कंटेनर था कार्बोहाइड्रेट पे किसी को भरोसा नहीं था ठीक है कार्बोहाइड्रेट पे किसी को भरोसा नहीं था ठीक है तीन ही कंटेनर था प्रोटीन अगर हमको हटाना है सिस्टम में तो हम क्या यूज कर देंगे प्रोटीएस आरएनए हमको हटाना है तो क्या यूज कर देंगे हम आर और डीएनए हमको हटाना है तो क्या यूज करेंगे देंगे डीएनए ठीक है तो जब हम डीएनए यूज किए तो चूहा मेरा जिंदा रह गया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ बिकॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड क्योंकि जाना किसको था जिसको जाना था हम उसी को डाइजेस्ट कर दिया ठीक है तो क्या हुआ कि मेरा चूहा जिंदा रह गया किस केस में जिंदा रह गया अगर हम डीएनए यूज किया आर एन एज किए तो चार चूहा मर गया प्रोटी यूज किए तो चूहा मर गया और इस दोनों केस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस दोनों केस में ट्रांसफॉर मेशन हुआ तो इससे कंक्लूजन आ गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का बहुत ज्यादा है यह कंक्लूजन आ गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ट्रांस कंक्लूजन आ गया कि डीएनए होने का यह जरूरी है ठीक है अच्छा आ गया ठीक है तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहां पर आ गया ठीक है अच्छा यहां पर यह देख लेना कि यह जो स्मूथ होता है यह पॉलीसेक्राइड कोट होता है इस पर क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है जो वायलेंस कॉज करता है दैट बिकेम वायलेंट इस पर क्वेश्चन आता है ठीक है अच्छा तो बायोकेमिकल में हमने देखा 1933 टू 1944 एवरी द जेनेटिक दियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन ही वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रेफेस एक्सपेरिमेंट दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन डी एन ए आर एन ए वगैरा तो देखा कौन सा है तो जब डीएनएस uh, डाले तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ बाकी सारे केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ही कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट ऑल बायोलॉजिस्ट वे नॉट कन्विंस्ड वाई रीजन बीइंग कि प्रोटीन दिखता था सब कुछ प्रोटीन कर रहा है प्रोटीन एकदम फ्रंट बन के रखा था कि सब कुछ तो प्रोटीन कर रहा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छा था प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट था सारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन प्रोटीन कर रहा था तो एवरी साइंटिस्ट थॉट कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो इनका बात इन्होंने नहीं माना बोला कि कहीं ना कहीं आपने प्यूरिफिकेशन में कुछ एरर कर दिया है यहाँ पे आपने कहीं कहीं प्यूरिफिकेशन में कुछ एरर कर दिया इसलिए साइंटिस्ट ने इनकी बात को नहीं माना जब तक जब तक हमारा हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ठीक है जब तक हमारे हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ठीक है तो अब आते हैं हम हमारा हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट ठीक है तो जेनेटिक मटेरियल डी एन हमारा साइंटिस्ट था एल्फ्रेड हरसे एंड हमारा मार्था चेज इसमें से तो कौन लड़का है कौन लड़की है पता ही नहीं चला आज तक उनको ठीक है हमेशा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं नाइनटीन फिफ्टी टू में तुम्हारा एल्फ्रेड हस्ते और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया क्या क्या सिंपल था कहानी सुनो कहानी सुनो सिंपल था दो कंपोनेंट लिया दो स्टेनिंग कंपोनेंट लिया एक यूज़ किया बैक्टीरियो फेस सबसे पहला यूज़ किया बैक्टीरियो फेस बैक्टीरियो फेज के बाद दो ही चीज़ है है ना भूखा नंगा बैक्टीरिया है ठीक है बैक्टीरियो फेज के पास और बैक्टीरिया कह रहे हैं भूखा नंगा वायरस है बैक्टीरियो फेज के पास दो ही चीज़ें एक हो गया जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और दूसरा हो गया प्रोटीन दो ही चीजें अच्छा हमको ये पता है कि प्रोटीन के पास सल्फर होता है जो डीएनए में नहीं होता और डीएनए के पास फास्फोरस होता है जो प्रोटीन में नहीं होता तो इसने क्या किया एक को ग्रो किया पी के मीडियम में ठीक है और दूसरे को ग्रो किया एस के मीडियम में तो एक को पी के मीडियम में ग्रो किया और एक को S35 के मीडियम में ग्रो किया और दोनों इकोलाई e को तुम्हारा इन्फेक्ट कराया किसके साथ इन्फेक्ट कराया इकोलाई e के साथ ई e कोलाई के साथ तो ये मान लो इकोलाई e है और ये मान लो ये मान लो ये मान लो मेरा बैक्टीरियो फेज है तो क्या करेगा ये ये बैक्टीरियो फेज क्या करेगा ये अपना जेनेटिक मटीरियल ये अपना जेनेटिक मटीरियल जो था ये जो जेनेटिक मटीरियल था इसको यहां अंदर घुसा देगा ये जेनेटिक मटीरियल अपना अंदर दे दिया तो यहाँ पर हमको जेनेटिक मटीरियल मिल गया और ये जेनेटिक मटीरियल के अराउंड खूब सारे बैक्टीरियो फेज बन जाएंगे ठीक है तो इसके पास इसके पास क्या बचा इसके पास सिर्फ जो बाहर बचा इसको हम कहते हैं कैस्पिड या प्रोटीन कोट कैस्पिड या प्रोटीन कोट ठीक है और अंदर वाला जो है अंदर वाला जो सामान है इसके पास क्या आ गया जेनेटिक मटीरियल अंदर वाला जो सामान है इसके पास क्या आ गया मेरा इसके पास मेरा जेनेटिक मटीरियल आ गया इसके पास मेरा जेनेटिक मटीरियल आ गया ठीक है तो अब हम इसको अगर इन्फेक्शन हो गया दूसरा प्रोसेस होता है इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं मिला दिए ठीक है अब हम अगर इसको हम सेंट्री करते हैं अब हम इसको अगर हम सेंट्री करते हैं तो हमको क्या दिखेगा अगर हम इसको सेंट्री फ्यू करते हैं मतलब उसके छोड़ देते हैं ठीक है तो ऊपर वाला जो पोर्सन ऊपर वाला जो पोर्सन है इसको हम कहेंगे कैसपीड ठीक है तो कैसपीड में हमको कोई रेडियो एक्टिव नहीं दिखेगा नो रेडियो एक्टिविटी नो रेडियो एक्टिविटी क्यों क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो डाल दिया अंदर और अंदर की बात करें अगर हम इधर अंदर की बात करें तो यहां पे क्या हो गया रेडियो एक्टिविटी अंदर की तरफ बात करें तो यहां क्या हो गया रेडियो एक्टिविटी है ना तो यहां पे इसको हम कहते हैं सुपर नेटेंट तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा सुपरनेटेंट में और जो इसमें था इसमें रेडियो एक्टिविटी दिखा अगर हम प्रोटीन के केस में करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे और सेम चीज हमको दिख जाएगा तो प्रोटीन के केस में कर हम करें तो प्रोटीन के केस में क्या करेंगे तो देखो तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स प्रोटीन के केस में क्या आ जाएगा रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स और यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपर ने टेंट ठीक है ये किस केस में जब डीएनए के केस में किए या जब डीएनए के केस में किए तो जो कैसपिट था जो बाहर वाला कैसपिट था इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं था बट जो अंदर वाला चीज था उसमें रेडियो एक्टिविटी था यहां पे क्या हुआ कि इसके बाहर वाले में तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी रह गया और अंदर वाले में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है अंदर वाले में कोई रेडियो एक्टिविटी क्यों क्योंकि सल्फर अगर बाइंड किया तो सल्फर किसके साथ बाइंड कर जाएगा सल्फर इसके प्रोटीन कैसपिट के साथ बाइंड कर करेगा तो जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगा तो सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है लेकिन सुपरनेटेन जो बाहर है बाहर की तरफ है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर मिल जाएगा रेडियो एक्टिव सल्फर मिल जाएगा तो मतलब क्या जा रहा है अब तो यहाँ पे सारा डाउट खत्म हो गया ना क्या जा रहा है जा क्या रहा है जेनेटिक मटीरियल जा रहा है जेनेटिक मटीरियल जा रहा है दैट इज डी जा रहा है तो यहाँ पे फिर कंक्लूड हो गया कि द जेनेटिक मटीरियल इज डी द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए यहां कंक्लूड क्या हो गया जेनेटिक मटीरियल इज डी एन ए द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरियल सेल द बैक्टीरिया ट्रीज द वायरल जेनेटिक मटीरियल एज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस ठीक है तो इस तरह से काम किया ठीक है तो बस इतना जान जाओ ये दो पॉइंट आप जान जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये दो पॉइंट याद रखना कि नो रेडियो एक्टिविटी और एस फाइव एस थर्टी फाइव एस सीन इन सेल्स और सुपर नेटेन में यहाँ दिखा यहाँ पे सुपर नेटेन में नहीं दिखा और इसमें दिख गया ठीक है सुपर नेटेन बाहर और सेल्स के अंदर जो हो गया वो अंदर आ गया ठीक है ये वाला पोर्शन हो गया ठीक ये तुम्हारा पूरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ठीक अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मेरा जेनेटिक मटेरियल कैसा कैसा होता है डीएनए वर्सेस आरएनए हमने देखा था क्या क्या पहला कि कैसा एक जेनेटिक अच्छा यहां पे देखो आर जेनेटिक मटेरियल किसका किसका होता है टोबैको मोजायक वायरस क्यूबी बैक्टीरियो फेज इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज फेज पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है तो नॉर्मल बैक्टीरियो फेज का डीएनए होता है क्यूबी बैक्टीरियो फेज का आरएनए होता है ठीक है ठीक तो क्या क्या होना चाहिए भाई जेनेटिक मटेरियल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एक एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटीरियल था कब एक्ट कर सकता है जब इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मैंडीलियन कैरेक्टर इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मैंडीलियन कैरेक्टर इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेल के तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जेनेटिक मटेरियल का ठीक है तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस पहला आरएनए में क्या है कि 2 ओएच ग्रुप होता है आरएनए में और दूसरा थायमिन के बदले यूरैसिल होता है इसलिए आरएनए तुम्हारा आरएनए तुम्हारा कैटालिटिक इन नेचर होता है एंड इट इज रिएक्टिव डीएनए तुम्हारा स्टेबल होता है एंड इट इज लेस रिएक्टिव म्यूटेशन भी आर में ज्यादा होगा डी में म्यूटेशन कम होगा इसलिए डी बेटर जेनेटिक मटेरियल है बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली स्टेबल ठीक है तो आर तुम्हारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा आर तुम्हारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा और डी तुम्हारा और डी तुम्हारा डी तुम्हारा क्या होगा डीएनए तुम्हारा स्टेबल मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल ठीक है टेबल जेनेटिक मटेरियल ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं थ्योरी है ज्ञान है कुछ नहीं है इसमें ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला आते हैं आर वर्ल्ड आर वर्ल्ड हमने देख लिया आर पहला जेनेटिक मटीरियल आर एन ए नेचर है और आर तुम्हारा रिपेयर का कर काम करता है ठीक है अब आते हैं रेप्लीकेशन मुद्दे पे मुद्दे पे आते हैं रेप्लीकेशन क्या होता है तो भाई रेप्लीकेशन क्या है हम लोग को पता है कि रेप्लीकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनता है डीएनए से डीएनए बनता है इसको हम रेप्लीकेशन कहते हैं और हम लोग का जो रेप्लीकेशन होता है रेप्लीकेशन जो होता है इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर इज इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर कैसे होता है भाई सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब कि एक पुराना स्टैंड रहेगा और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री नया स्टैंड बनेगा मतलब एक पुराना स्टैंड रहेगा और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री नया स्टैंड रहेगा मतलब आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ रेप्लीकेशन ईच डी एन ए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंटल स्टैंड एंड वन न्यू स्टैंड इसको हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन कहते हैं ठीक है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे हमारे मेसलसन एंड स्टाल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हमारा इकोलाई e. में मैथ्यू है ना फ्रैंकलिन स्टाल क्या किया देखो सुनो क्या किया क्या किया इन्होंने देखो इन्होंने क्या किया एक e. को ग्रो किया एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन एन एच फोर सी एल मीडियम में ठीक है एक को ग्रो किया एन फिफ्टीन एन एच फोर सी एल मीडियम में और इसको फिर ट्रांसफर कर दिया किसमें इसको फिर ट्रांसफर कर दिया एन फोर्टीन एन एच फोर सी एल मीडियम है इसको फिर ट्रांसफर कर दिया एन फोर्टीन एन एच फोर सी एल मीडियम है इसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया एन फोर्टीन एन एच फोर सी एल मीडियम में ठीक है अच्छा क्या हुआ बच्चों तो इवेंचुअली क्या होगा डीएनए रेप्लिकेट करेगा डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा तो मान लो एक एंड तुम्हारा ऐसे लाल है दूसरा तुम्हारा ऐसे लाल है अब इस पर एक नया स्टैंड ऐड होगा इस पर एक नया स्टैंड ऐड होगा नया स्टैंड कैसा ऐड होगा तो नया स्टैंडर्ड होगा ऐसे नया स्टैंडर्ड होगा ऐसे ठीक है इस पर एक नया स्टैंड आएगा ऐसे और ये ठीक है तो ये तुम्हारा आगे हाइब्रिड ठीक है अब इसको फिर से एन फोर्टीन मीडियम में डाल दिए फिर से एन फोर्टीन एच फोर सी एल के मीडियम में डाल दिए तो क्या आ जाएगा इसको क्या कर देंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा अगेन फिर से तो ये मान लो एक ब्लू ऐसे ये मान लो एक ब्लू ऐसे और यहां पे, यहां पे, रेड यहां पे, रेड इवेंचुअली इस पर ब्लू ऐड करोगे फिर से फिर से ब्लू ऐड करेंगे इस पर क्योंकि ये है तो यहां पे ये लाइट हाइब्रिड लाइट और हाइब्रिड तो ये सेम इसी तरह से रिएक्ट करता जाएगा ठीक है तो क्या आया तो यहां पे आया पहले बार में तो ये हैवी था ठीक है पहले बार में अगर हम किए तो क्या आया दो हाइब्रिड दूसरे बार में हमने किया तो क्या आया दो लाइट और दो हाइब्रिड अब फिर हम ये करेंगे तो क्या आएगा फिर चार लाइट और दो हाइब्रिड फिर हम करेंगे तो क्या आएगा इस तरह से तुम्हारा बढ़ता जाएगा ठीक है इस तरह से तुम्हारा बढ़ता छह लाइट सॉरी छह लाइट और दो हाइब्रिड फिर इसके बाद हम करेंगे तो बारह लाइट और दो हाइब्रिड तो इस तरह से चेंज करता रहेगा ठीक है इस तरह से चेंज करता रहेगा ठीक है याद रखना कि यहाँ पे जो है यहां पे जो है एन फिफ्टीन इज नॉट रेडियो एक्टिव ये जो है ये हम रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं होता तो हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं इट इज सेपरेटेड बाय इट इज सेपरेटेड बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी इन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट इसको हम डेंसिटी सेंटिफिकेशन सेपरेट करते हैं इन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट याद रखना एन फिफ्टीन रेडियो एक्टिव नहीं होता हाँ एक्जैक्टली एन फिफ्टीन रेडियो एक्टिव नहीं होता और इसलिए इसको हम डेंसिटी सेंटिफिकेशन सेपरेट करते हैं सीजियम क्लोराइड पर ठीक है तो अगेन इस पे भी आ जाएगा तुम्हारा की ट्वेंटी मिनट्स में किया फिर उसके बाद फोर्टी मिनट्स में किया फिर उसके बाद ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो क्या किया? देख, 1958 में हुआ था ये ईयर इंपॉर्टेंट है मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन किया था ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दे ग्रू ग्रक्लाई इन अ मीडियम कंटेनिंग एन फिफ्टीन एन एच फोर सी एल वेर एन फिफ्टीन इज एवी एसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड ओनली एन नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन ठीक है द रिजल्ट दैट एन फिफ्टीन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द न्यूली सिंथेसाइज डी एन ए ठीक है तो यह इसको हम सेपरेट कैसे किए थे इसको सेपरेट किए थे सीजम क्लोराइड से और याद रखना एन फिफ्टीन तुम्हारा रेडियो एक्टिव नहीं है ठीक है इसको हम एन फोर्टीन के मीडियम में डालें तो हमको तीन चीज मिलेगा ठीक है तो एन फिफ्टीन वाला यहाँ पे मिलेगा नीचे ये एन फिफ्टीन वाला होगा ठीक है इसके ऊपर अगर हमको बीच में बात करेंगे तो इसको हमको हाइब्रिड मिलेगा और सबसे लाइट सबसे ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो यहां हमको लाइट वाला मिलेगा यहां पे हमको लाइट वाला मिलेगा तो ये तुम्हारा एन फिफ्टीन बीच में अगर आया बीस मिनट में तुम्हारा इधर आ गया चालीस मिनट में अगर इधर आ गया फिर साठ मिनट में तुम्हारा कुछ और तो तो होगा ऐसे करके तुम्हारा निकल जाएगा तो एट्टी मिनट्स के बाद तुम्हारा ऐसे ऐसे करके स्लाइड तुमको बनाना होगा तो एन फिफ्टीन कितना होगा एन फोर्टीन कहा होगा ये आप सेपरेट करते हैं और इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ठीक है डीएनए चलो तो क्या हुआ तो दस द डीएन मिनट्स हैज हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी फिर ऐसे 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 करके चेंज कर दिया तो पूछ रहा है इफ द इक्वलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर एट्टी मिनट्स तो क्या प्रपोर्शन होगा प्रपोर्शन ऑफ रेशियो बताओ प्रपोर्शन ऑफ हैवी इस टू हाइब्रिड इस टू लाइट क्या होगा जल्दी बताओ हैवी टू हाईब्रिड इज टू लाइट जल्दी जल्दी बच्चा अस्सी मिनट तक अगर हम किए है, तो हैवी हैवीस टू हाईब्रिड इज लाइट क्या होगा सिक्सटी हैवी अरे रेशियो बताओ ना भाई है वन इज टू इज टू बेटा क्या हुआ देखो तुम लोग को बेसिक मैथ्स में दिक्कत है भाई जीरो चलो देखो क्या है एक भी नहीं होगा हैवी यहीं पे खत्म हो गया हैवी तो एक भी नहीं होगा तो वी तो जीरो हो गया ठीक है तो जीरो हो गया ठीक है हाइब्रिड कितना होगा हाइब्रिड हर केस में दो ही रहेगा हाइब्रिड हर केस में कितना होगा यहां पे अगर मान लो ये पहला जनरेशन है ठीक है ये दूसरा जनरेशन हो गया ठीक है इसके बाद तीसरा जनरेशन आएगा सिक्सटी मिनट और इसके बाद चौथा जनरेशन आएगा एट्टी मिनट तो हाइब्रिड क्या हो गया हाइब्रिड तुम्हारा दो ही रहेगा हर केस में ठीक है? है तो अब आया पहला जनरेशन बीस मिनट में तुम्हारा दो हाइब्रिड था यहां पर तुम्हारा दो लाइट और दो हाइब्रिड हो गया ठीक तो है तो एक दो तीन चार पांच छ तो अब यहां पे कितना हो गया छह लाइट और दो हाइब्रिड ठीक है तो अस्सी मिनट में कितना होगा अस्सी मिनट में कितना होगा अस्सी मिनट पे कितना होगा हो हो तुम्हारा कर दो छह लाइट छह का लाइट तो कितना स्टैंड निकल गया बारह और दो इसका आ गया तो चौदह तो टोटल सोलह होगा है ना आठ है तो सोलह हो गया तो कितना हो गया तुम्हारा बारह और दो चौदह लाइट और चौदह लाइट और दो हाइब्रिड हमेशा याद रखना हाइब्रिड दो ही रह जाएगा है ना क्योंकि हेवी चेन तो नया बन नहीं रहा तो हाइब्रिड दो ही रह जाएगा ये हमेशा याद रखना समझ में मैं बना के दिखा देता हूं अभी तुम लोगों को ये तुमको धीरे धीरे ही पढ़ाना होगा मेरा एक दिन में यह कंप्लीट नहीं होगा मुझे पता चल गया ये तुम लोग को आराम आराम से पढ़ाना होगा ज़्यादा तेज पढ़ा दिया तो तुम लोग ऐसे हवा में उड़ जाओगे कहाँ क्या भाई मेरा हाँ जी हाँ, जीरो इज टू टू इज टू फोर्टीन सबको समझ में आया नहीं बेटा करो पहले जनरेशन में क्या था सुनो सुनो करो करो अब करो अब क्या नहीं तुम लोग लो धीरे धीरे ही कराते हैं पहले जनरेशन में क्या था पहले ये चैप्टर पढ़े नहीं थे एन फिफ्टीन हैवी मान लो ठीक है अब ये गया एन फिफ्टीन एन फोर्टीन के मीडियम मान लो एन फोर्टीन वाला ब्लू कलर का है ठीक है ये मान लो एन फोर्टीन वाला ब्लू ब्लू कलर नहीं थोड़ा अच्छा लाइट कलर देखते हैं कलर कलर ही खेलना तो अच्छे से खेल देते हैं ठीक है ये मान लो एन फोर्टीन वाला है ठीक है तो क्या होगा एक ये नया स्टैंड एक ये नया स्टैंड और इस पर दो पुराना स्टैंड तो पहले से था ही तो ये दो हाइब्रिड बन गया तो पहले जनरेशन में क्या हुआ दो हाइब्रिड बना ये कितने देर के बाद हुआ ये ट्वेंटी मिनट के बाद हुआ ये ट्वेंटी मिनट के बाद हुआ ठीक है अब इसको फोर्टी मिनट की बात करो अब इसको फोर्टी मिनट की बात करो तो क्या है यहाँ पे एक दो और पीला कितना था पीला मेरा दो हो गया ठीक है एक इसका एक इसका और एक इसका तो कितना आ गया सब पे पीला लगा दो नया स्टैंड तो जो है एन फोर्टीन वाला होगा तो कितना आ गया ये फोर्टी मिनट्स पे हो गया ठीक है अच्छा इसके बाद फिर सिक्सटी मिनट्स पे आएगा सिक्सटी मिनट पर पीला कितना हो गया एक दो एक दो तीन ठीक है और एक दो तीन एक दो तीन ठीक है इसमें दो मजेंटा डाल दो सब पे पहले ये लगा दो टक 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 ठीक है अब इस पर दो मेजेंटा डाल दो मेजेंटा कौन सा आ गया ये एक ऐसा और एक ऐसा ठीक है इन दोनों पे भी पीला लगा दो तो यहाँ पे दो हाइब्रिड आ गया इन दोनों पे भी पीला लगा दो तो यहाँ पे दो हाइब्रिड आ गया एक दो तीन चार पाँच छ तो छह लाइट और दो हाइब्रिड छ लाइट और दो हाइब्रिड ये सिक्सटी मिनट आया ठीक है तो अगर एट्टी मिनट पर जाएंगे तो क्या होगा एट्टी मिनट पर अब करो एट्टी मिनट पर करो तो कितना हो गया एक दो तीन चार पच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो चौदह तो येलो वाला आ जाएगा जो लाइट बनाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है और दो है वाला आ जाएगा दो है वाला आ जाएगा तो तुम्हारा ही आ जाएगा तो वेशो क्या आ गया जीरो इज टू इस टू इज टू फोर्टीन जीरो एस टू टू इज टू फोर्टीन ये आ जाएगा ठीक है जीरो एस टू टू इज टू फोर्टीन आया सबको समझ में आया नहीं आया सबको समझ में आया नहीं जल्दी बताओ आया सबको समझ में आया नहीं चल ग्रेट ग्रेट तो इस तरह का रेशियो तुमको निकालने आ सकता है 80 मिनट के बाद क्या होगा 20 मिनट के बाद क्या होगा ठीक है अब देखो अब देखो तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्मड ऑन विसिया फेवा या फेवा बीन्स बाय टेलर एंड हिज कलीग्स इन 19 फिफ्टी एट तो सेम एक्सपेरिमेंट यहां पे विषया फेवा का हमारे टेलर ने किया था सेम एक्सपेरिमेंट यहां पे हमारे टेलर ने किया था आगे बढ़ते हैं अब आते हैं डीएनए डीएनएकेशन आज हम लोग सोच रहे हैं डीएनए रेन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे बाकी अगले क्लास में कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा समझाना है लैक ओपर वाईप्रोन है तो आई डोंट थिंक कि तुमको एक क्लास में वो सब कुछ उतना समझ आएगा ठीक है तो चलिए हम डीएनए रिकेशन पे बात करते हैं पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद आप लोग पढ़ते रहिएगा चलिए मैकेनिज्म ऑफ़ डीएनए रेप्लिकेशन पहले एक बार बात सुन लो मेरी फिर हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है तो येलो येलो खेल ये हाकैनिजम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में ही निपटाऊंगा ठीक है समझ में तुमको सब आ जाएगा लेकिन लेकिन हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर ले जाएंगे हम बहुत अंदर नहीं घुसेंगे गहराइयों में नहीं जानेंगे ठीक है तो क्या करेंगे हम कि सपोज मान लो ये डी का स्टैंड है सबसे पहले ये मेरे पास एक डी का स्टैंड है पूरा मत मिट जाना बाबू नहीं तो मेरा सुसाइड करने का न बता देगा सपोज मान लो ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है ठीक है ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है पॉइंट सुनते जाना मेरा उसके बाद हम लोग बताते जाएंगे क्या क्या कहेंगे ठीक है ये मेरा एक मान लो एक डी का स्टैंड ठीक है ऑब्वियसली ये क्या हो गया ये तुम्हारा फाइव प्राइम एंड हो गया इधर आ गया तुम्हारा थ्री प्राइम एंड यहाँ पे तुम्हारा थ्री प्राइम एंड हो गया और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा फाइव प्राइम एंड यहाँ आ जाएगा तुम्हारा फाइव प्राइम एंड ठीक है ये तो यहाँ तक कोई बात नहीं यहाँ तक तो हमने कर लिया ठीक है बेटा तुम्हारे चार्ट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं है ना फाइव प्रेम अब देखो अब देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था इसको हम कहते थे हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड है जिसको हम कहते थे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो सबसे पहले अगर हम कोई भी रेप्लीकेशन या किसी तरह का भी कोई भी प्रोसेस करना है तो सबसे पहले तो हमको इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा तो सबसे पहले सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स अगर हमको कराना है सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स अगर हमको कराना है तो हम ये कैसे करेंगे बच्चों ये हम ब्रेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हेली केस कौन सा एंजाइम कर रहा है हेली केस तो अगर हमको डीएनए हेलिक्स को तोड़ना है तो यहां पे हम एक एंजाइम यूज करें द एंजाइम यूज इज कॉल्ड हेली केस ठीक है अच्छा मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा ब्रेकअप होता है।, है तो लगता है ना कि भाई एक बार फिर से बात कर लेते हैं पैचअप करा ही लेते हैं है ना अगर मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो इन दोनों के बीच में भी वही वाला टेंडेंसी हुआ ये लोग भी तो सोचेगा ना कि यार हम फिर से पैचअप कर ही लेते हैं ठीक है क्या रखा है एक ही बार तो ब्रेकअप हुआ है तो क्या करें इसको कि ये वापस फिर से इधर ब्रेकअप के पास री पैच ना करें तो इसको हम क्या करते हैं टेम्प्ररी गर्लफ्रेंड पकड़ा देते हैं इसको हम क्या करते हैं हम इनको टेम्प्ररी गर्लफ्रेंड पकड़ा देते हैं जुगाड़ू गर्लफ्रेंड इन जुगाड़ू गर्लफ्रेंड का नाम है एस एस बी पी सिंगल स्टैंडर्ड जुगाड़ू गर्लफ्रेंड का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो दोनों को अलग रखता है ठीक है अच्छा जहां पे ये है, जहां पे ये ये साइट साइट है जहां ये कार्यक्रम हो रहा है इस रीजन को हम कहते हैं रेप्लीकेशन फॉर्ग और ये जो रेप्लीकेशन फॉर्क बन रहा है ये जिस साइट पे बनता है इसको हम कहते हैं ओरिजी ओर या ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ये जिस साइट पे बन रहा है इसको हम कहते हैं ऑरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट अब क्या होगा कि अब इसको रेप्लीकेट करना आता नहीं है इन भाई साहब को रेप्लीकेट करना आता नहीं है तो हमको इसको हेड स्टार्ट दिखाना पड़ता है देखो बेटा ऐसे ऐसे होता है अब ये नया लड़का है इसका ब्रेकअप हुआ है बेचारा थोड़ी अपने से बोलेगा कि नहीं हम दूसरा सेटिंग कर लेते हैं तो इसका तो अरेंज मैरिज ही कराना पड़ेगा तो हमको कम से कम लड़की से मिलवाना तो पड़ेगा इसको तो यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे हम बोलते हैं कि बेटा तुमको हेड स्टार्ट हम दे देते हैं ठीक है थोड़ा सा हम सिखा देते हैं कैसे कैसे करना है ठीक है तो इस हेड स्टार्ट को हम कहते हैं प्राइमर ठीक है इस हेड स्टार्ट को हम कहते हैं प्राइमर और ये जो हमारा प्राइमर है ना ये जो हमारा प्राइमर है इट इज इट इज कोडेड बाय इनमर इट इज कोडेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमे सॉरी इट इज कोडेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज च इज नथिंग विच इज नथिंग इट इज जस्ट अ डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज ठीक है तो ये जो प्राइमेज होता है ये कुछ नहीं होता ये जो प्राइमर के लिए कोट करता है ये कोट करता है आर एन ए प्राइमर के लिए याद रखना यहाँ जो प्राइमर है यहाँ जो प्राइमर बन रहा है यहां पर जो primer लग यह प्राइमर लग रहा है ये प्राइमर डी एन ए प्राइमर नहीं है दिस इज एन आर एन ए प्राइमर और ये आर एन ए प्राइमर के लिए कोट करता है इसलिए जो प्राइमेज है ये कुछ नहीं है ये डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज है और कुछ नहीं है डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज और कुछ नहीं है बच्चो डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज है और कुछ नहीं है ये है ना ये डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज है अच्छा बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो क्या है भाई तो आगे बात करते हैं तो आगे क्या है कि आगे क्या है कि अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो, अगर मान लो कि अब हमको इसको कंटिन्यू कराना है अब हमको इसको कंटिन्यू कराना है मतलब ये इधर की तरफ कराना है तो पॉलीमराइजेशन या एडिशन ऑफ बेस बेसपेयर करेंगे अब अगर हमको इसको कंटिन्यू कराना है तो हम क्या करेंगे एडिशन ऑफ बेस पेयर करते हैं एडिशन ऑफ बेस पेयर के लिए जो भाई साहब रिस्पॉन्सिबल हैं इनको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज इनको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज और हम लोग को पढ़ना है तीन तरह का डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज वन डीएनए पॉलीमरेज टू और डीएनए पॉलीमरेज थ्री तो हमको इन तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज को पढ़ना है पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं हम इन तीन तरह का डीएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं दैट इज वन टू एंड थ्री तो हम क्या क्या पढ़ते तो डीएनए पॉलीमरेज एडिशन ऑफ बेस पेयर करा दिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है डीएनए पॉलीमरेज भाई साहब जो थे हमारे यहाँ पे इन्होंने एडिशन ऑफ बेस बेसपेयर करा दिया मतलब ये टक 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 ट, टक ट, टक टक यहाँ तक चला गया और ये यहाँ तक आ गया ठीक है अच्छा अब क्या होगा कि अब बाकी स्टैंड फिर से और अलग होगा है ना बाकी स्टैंड जो यहाँ पे चिपका हुआ था ये फिर से और अलग हुआ तो इसको और अलग कर देते हैं ठीक है इन दोनों को चिपका देते हैं तो जो बाकी स्टैंड जो कॉइल था ये थोड़ा थोड़ा फिर से और अलग होगा तो यहाँ पे फिर से इसको अलग कर दो ठीक है तो ये मान लो ऐसे आ गया ठीक है और ये हमारा ऐसा सा आ गया ठीक है ये अलग हो गया ठीक है अब यहां पे क्या हुआ इस साइड तो ठीक है ये साइड तो लीगिन लीडिंग हो जाएगा इस साइड वाला जो है ऐसे डायरेक्टली निकल जाएगा इसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये डायरेक्टली इधर की तरफ निकल जाएगा और इस साइड वाला क्या होगा बेटा इसको फिर से लैग करके जाना पड़ेगा है ना ये क्यों क्योंकि इसका हर बार प्राइमर लगेगा तो इस वाले स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं इस वाले स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं या डिस्कंटिन्यूस स्टैंड कहते हैं और इस वाले स्टैंड को हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं या कंटिन्यूस स्टैंड कहते हैं ये जो फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं ये जो छोटे छोटे आपको फ्रेगमेंट दिख रहे हैं इसको हम ओकाजाकी जा कहते हैं एंड दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर ज्वाइंट बाय दीज ओकाजाकी जागमेंट्स आर ज्वाइंट बाय क्या ज्वाइंट बाय ज्वाइंट बाय लाइगेज डीएनए लाइगेज से ये दोनों चिपक जाता है डीएनए एन से ये दोनों चिपक जाता है ठीक है तो हमने देखा हेलीकेस हमने देखा प्राइमेस हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज हमने देखा लाइगेस अब दो चीज और इसमें आएगा दो चीज और इसमें आएगा एक पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं एरर मैकेनिज्म एक पहला चीज होता है इसको हम कहते हैं एरर मैकेनिज्म भाई ये सर्वाइव कैसे करेगा एक पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं एरर मैकेनिज्म हाँ एक पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं एरर मैकेनिज्म तो एरर मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये कैसे अब ये तो गलती करेगा तो एडिशन ऑफ बेस पेयर जो होता है बच्चों एडिशन ऑफ बेस पेयर जो होता है ये होता है टू थाउजेंड बेस पेयर पर सेकेंड टू बेस पेयर पर सेकेंड ये क्या हो रहा है एडिशन ऑफ बेस पेयर ये क्या हो रहा है एडिशन ऑफ बेस पे कैसे हो रहा है दो हजार बेस पेयर पर सेकेंड से हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके एरर की प्रोबेबिलिटी होगी एरर की प्रोबेबिलिटी होगी तो इस एरर को चेक करते हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों इसके लिए मैं एक डॉक्टिशन सीरीज बना दूंगा इस एरर को चेक करते हैं हम कैसे इस एरर को हम चेक करते हैं डीएनए पॉलीमरेज से तो तीन तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज वन डीएनए पॉलीमरेस टू और तीसरा होता है डीएनए पॉलीमरेस थ्री ये होता है मेजर रिपेयर इंजाइम ये होता है मेजर रिपेयर ठीक है ये होता है माइनर रिपेयर इंजाइम और ये होता है ठीक है ये होता है एडिशन ऑफ बेस पे आता है ये तीन तरह का होता है ठीक है ये होता है एडिशन ऑफ बेस पेपर ठीक है तो मेजर रिपेयर इंजाइन माइनर रिपेयर इंजाइन और एडिशन ऑफ बेस तो ये तीन काम तुम्हारा इसका करता है ठीक है इसमें एक और प्रॉब्लम आता है टोपो आइसो मरेज यहां द टेंशन मतलब जहां मान लो स्टैंड तो अगर मान लो कोई स्टैंड कॉपी कर रहा है तो ये कॉइल होता रहेगा 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 ठीक है तो इसका टेंशन इसको काटेंगे पीछे चिपकाएंगे काटेंगे काटेंगे ठीक है तो इट रिलीजेज द टेंशन इट रिलीजे देंशन बिटवीन रेप्लीकेटिंग स्टैंड इट रिलीजेस द टेंशन बिटवीन रेप्लीकेटिंग स्टैंड इट रिलीजेस द टेंशन बिटवीन रेप्लीकेटिंग स्टैंड ठीक है तो क्या क्या हुआ बेटा तो क्या क्या हुआ पहला तो पहला आ गया तुम्हारा लीडिंग स्टैंड दूसरा आ गया तुम्हारा लैगिंग स्टैंड ओका फ्रेगमेंट ज्वाइन बाई डीएनए लैगे ब्रेकिंग ऑफ डीएनए डीएनएस किया तुम्हारा प्राइमर आ गया प्राइमेज आ गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनएं डीएनए पॉलीमरेज आ गया ठीक है यहां जो ये यह पॉलीमरेज है ये तुम्हारा डीएनए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है ये तुम्हारा जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है और ये तुम्हारा आर एन ए प्राइमर ठीक है तो यही होता है एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं आज हम लोग यहीं तक करेंगे ठीक है क्योंकि

एज दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन रिएशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जैसे इकोलाई e. के पास फोर पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी बेसपेयर है और यूमेन के पास सिक्स इंटू ट्वेंटी बेसपेयर है तो इट कम्प्लीट द प्रोसेस इन ट्वेल्व अठारह मिनट्स तो लग लगभग क्या हुआ दो हजार बेस्पेयर एड हो रहा है एक स्पीड ठीक है तो स्पीड क्या है दो हज़ार बेसपेयर एक साथ चार और इस पर एक भी चाहिए क्योंकि अगर मिस्टेक हुआ तो क्या हो जाएगा मिस्टेक हुआ तो म्यूटेशंस आ जाएंगे मिस्टेक हुआ तो म्यूटेशन आ जाएगा ठीक है तो काम करता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्सो हम फ्री न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं जो बेस पर एड करता है जैसे तुम्हारा ए है जैसे तुम्हारा जी है जैसे तुम्हारा टी है जैसे तुम्हारा सी है तो ये सारे जो हैं ये डी ऑक्सीराइबो दियो, न्यूक्लियोटाइड्स हैं ठीक है जो तुम्हारा एक तो एनर्जी देगा ठीक है और दूसरा तुम्हारा टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा एडिशन ऑफ बेसफेयर का ठीक है एडिशन ऑफ बेसफेयर डूगल इन एडिशन टू एक्टिंग एस स्टेट पहला जो ऐड करेगा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलिमराइजेशन रियक्शन टू डीएन पॉलिमरेज मेनी एडिशनल इंजाइम ऑफ रेप्लीकेशन विध हाई डिग्री ऑफ एक्स सी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्टैंड कैनोट बी सेपरेटेड एट इज एंटायर लेंथ द रेप्लीकेशन अकर्स इन अ स्मॉल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं रेप्लीकेशन फॉर ठीक है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमर एस कैटिलाइज पॉलीमेशन इन फाइव थ्री डायरेक्शन ऑनली ठीक है याद रखना हमेशा फाइव थ्री डायरेक्शन में ही होगा तो एक तुम्हारा कंटिन्यूस स्टैंड होगा एक तुम्हारा डिस्कंटिन्यूस स्टैंड होगा नया स्टैंड हमेशा फाइव थ्री डायरेक्शन में बनेगा तो थ्री फाइव का उल्टा सीधा बनेगा फाइव थ्री डायरेक्शन में ठीक है डिसकंटिन्यूस स्टैंड में जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको हम ओकाजाकी की फ्रेगमेंट कहते हैं विच इज ज्वाइंट बाई डी एन ए लाइगेज ठीक है जहां से शुरू होता है इस टर्न को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है और इसके बाद ऐसे आ गया ठीक है कहां पे हो रहा है ये सेल साइकिल एस फेज ऑफ सेल साइकिल में हो रहा है फेलियर ऑफ सेल डिविजन आफ्टर डीएनए रेप्लीकेशन लीड्स टू पॉलीप्लॉयडी ये भी आता है ठीक है फेलियर ऑफ सेल डिजन आफ्टर डीएनए रेप्लीकेशन लीड्स टू पॉलीप्लॉयडी तो इतना ही आपको एनसीईआरटी में दिया एनसीईआरटी में से ज्यादा आपके दिया नहीं है हम लोग आज इतना ही करेंगे बच्चों ठीक है हम लोग आज इतना ही करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अब देखो क्या है अब क्या क्या, -क्या टॉपिक्स बच गया आपका इसको हम लोग कैसे फिनिश करेंगे मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखिए क्या क्या टॉपिक हो जाए आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तुम्हारा जेनेटिक कोड लैक ऑपेरॉन म्यूटेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ठीक है तो हम इसका दो दो सीरीज लेके कर लेंगे ठीक है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये एक दिन का काम नहीं है ये ये मैराथन नहीं मैराथन का चाचा हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे जो जितने मेकानिज्म है इसमें समझने वाले ठीक है इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे देखो पाँच छः पार्ट्स में तो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कल कर लेंगे ठीक है ट्रांसक्रिप्शन इसको धीरे धीरे करेंगे ठीक है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हम कल कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा लैप ऑपरॉन बच गया ठीक है जेनेटिक कोड है और म्यूटेशन है ये एक दिन में कर लेंगे ठीक है और दूसरा हो गया तुम्हारा डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग और तुम्हारा कौन सा है और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट तो ये ये एक दिन में डॉक्टिवेशन सीरीज में हो जाएगा ये एक दिन में डॉक्टिवेशन सीरीज में होगा ये एक दिन में डॉक्टिवेशन सीरीज में ठीक है, है तो इसको हम लोग डॉक्टिवेशन सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे जो बच्चे मेरे पुराने वो जानते होंगे डॉक्टिवेशन सीरीज क्या है ठीक है सारे लेक्चर्स के अपडेट के लिए बच्चों आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये टेलीग्राम चैनल है ठीक है ये टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर आन मनी सर्च करना जाके टेलीग्राम पे जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो डॉक्टर आनंदमनी अगर लिंक डाल रहे हो तो लिंक डालना नीट प्लस ठीक है नीट प्लस या डॉक्टर आनंद के नाम से सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे ही तो मुझे फॉलो कर सकते हो अकेडमी आप पे फॉलो कर सकते हो मैं इसका पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ ठीक है और डॉक्टिवेशन सीरीज़ में मैं इन सारे लेक्चर्स को ख़त्म कर दूंगा ठीक है आज मैं कंप्लीट तो अभी ही कर देता यार लेकिन मेरी आज पता नहीं ताकत ख़त्म हो गया सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था ठीक है बट मुझे लगा कि नहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए हमारा क्लास कर दिया ठीक है तो इसको हम लोग डॉक्टिवेशन सीरीज में खत्म कर देंगे तो इसको लोड नहीं लेना आपको ठीक है ये अगले तीन दिन में आपका खत्म हो जाएगा कल आपका बायोटेक्नोलॉजी का मैराथन भी है बच्चों कल आपका बायोटेक का मैराथन है पता है ना आप लोगों को सबको बायोटेक का मैराथन है इसलिए उसको खत्म करना है तो ये इसके लिए एनर्जी हम लोग को चाहिए तो कल आपका बायोटेक का मैराथन है तो इसको भी खत्म कर देंगे हम लोग ठीक है तो हो जाएगा चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चैप्टर्स तो मैं सारे ही खत्म कर दूंगा जिस स्पीड से मैं करा रहा हूँ ठीक है हम लोग आराम आराम से सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे बहुत टाइम है अभी हमारे पास बीस जून तक मैं आपका सब कुछ खत्म कर दूंगा इलेवेंथ तो ऑलमोस्ट मैंने ठीक है तो मैं आपको पूरा एक पैकेज बना के दे दूंगा ठीक है इसके जो बच्चे चाहे वो रिविजन चेकलिस्ट मेरा देख सकते हैं ठीक है अगर आपको अभी खत्म करना है तो मेरा रिविजन चेकलिस्ट है एक प्ले ठीक है पूरी क्लास ट्वेल्थ मैंने कंप्लीट की हुई है उस रिविजन चेकलिस्ट में आप उसको भी देख सकते हैं बच्चों ठीक तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं क्लास में वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया बेल आइकन दबा देना ताकि आप कोई नोटिफिकेमेश ना करे और परेशान मत होना ठीक है तुम लोग पूछते रहते हो तो, सर ये करा दो ये करा दो ये करा दो ये करा दो मैं सब कुछ करा दूंगा जो जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियोज़ में मैं आपको सब कुछ करा दूंगा आपको बस परेशान नहीं हो आराम से करते रहो जिस पेज पर मैं करा रहा हूँ करते रहो हड़बड़ाना नहीं है ठीक है हम लोग आराम आराम से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलो सो दैट्स इट गाइड्स हम लोग मिलते हैं फिर कल कल आपका बायोटेक्नोलॉजी का मैराथन है पहले इसको खत्म करेंगे प्लांट किंगडम है वो खत्म करेंगे ये साथ के साथ चलता जाएगा ठीक है तो वो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरा टारगेट था कि भाई प्लांट किंगडम मुझे खत्म करना है और बायोटेक्नोलॉजी आपका खत्म करना है ये मेरा टारगेट है तो इसको तो मैं कल खत्म करूंगा ही करूंगा ठीक है तो चलो हम लोग क्लास में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर सारे नोटिफिकेशन सारे लेक्चर्स के टाइमिंग सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अपडेट हो जाता है और टेलीग्राम पर मेरे साथ आप जरूर जुड़ जाइए ठीक है आई सी यू इन क्लास बाय बाय एंड टेक केयर